यादव केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पाकिस्तान द्वारा अपनी जीत बताए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकालते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूरा फैसला पढ़ने की नसीहत दी है। कुमार ने कहा कि न्यायालय का फैसला 42 पन्नों का है। यदि पाकिस्तान ने पूरे 42 पन्ने पढ़ने का धैर्य नहीं है तो वह 7 पन्नों की प्रेस रिलीज ही पढ़ ले, जिसमें हर बिंदु का फैसला भारत के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वह अपने नागरिकों से झूठ बोल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी को नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी रिहाई यह लंबे समय से हो रही है। भारत में होने वाली हर बड़ी आतंकी घटना के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है और फिर किसी आधार या अन्य कारणों से रिहा कर दिया जाता है। रवीश कुमार ने कहा कि सन 2001 में अब तक ऐसा 8 बार हो चुका है, मेरी नजर में ये नाटक है। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि क्या इस बार हाफिज की गिरफ्तारी महज दिखाई के लिए उठाए गए कदम से अधिक होगी? क्या हाफिज सईद को उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए सजा सुनाई जाएगी? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उम्मीद जताई है कि इस बार हाफिज सईद के साथ न्याय होगा। कुमार ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 25 और 26 को ब्राजील के दौरे पर जाएंगे, जहां वह ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका देशों के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें इसी वर्ष नवंबर में ब्राजील के ब्रासिलियन में होने वाले 11वें ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है।